ओम शांति। हम सभी के परम पूज्य पूर्वज, नई सृष्टि के आध्यात्मिक शिल्पकार, सभी के लिए वरदानी मुहूर्त, महादानी मुहूर्त, नई दुनिया के आधार मुहूर्त, विश्व के उद्धार मुहूर्त, जिनको बाबा आदि रतन, नूरे रतन, दिल तख्त नशीन का टाइटल देते, मेरे राइट हैंड हैं। तो हमारे पूर्वजों में एक गंगे दादी हम सबकी पूर्वज हैं। गंगे दादी जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना किया, उसी समय ले करके कराची से ही बाबा की बन गई, जबकि दादी जी की आयु 12 वर्ष की थी। बहुत लगन थी, भागवत बहुत प्रेम से पढ़ती थी और यही कहती थी, भगवान जब आप सृष्टि पर आए थे तो मैं गोपी के रूप में आपसे क्यों नहीं मिली, अब आप कब मिलेंगे, तो बातें करती थी मन ही मन में। लेकिन वो भी दिन आ गया कि भगवान जब सृष्टि पर आए हुए हैं और नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो दादी को भी अपना एक बहुत सुंदर शिल्पकार के रूप में चुन लिया और दादी भी सच्ची सच्ची गोपी बन गई, बाबा के प्यार में यज्ञ में समर्पित हो गई। और गंगे दादी पूरे परिवार से, एक हमारे यज्ञ में इतिहास है उनका, अकेले चली, कहते साथी चल, अकेला तो अकेले ही चली, क्योंकि उनके ना तो बुआ के घर से, न चाचे के घर से, न मामा के घर से, न मासी के घर से, न पिता के परिवार से, दूर दूर तक भी कोई रिश्तेदारी का व्यक्ति ज्ञान में नहीं चला। तो निश्चित है जो अकेला चलेगा तो विरोध करने वाले भी बहुत निकल आएंगे। तो गंगे दादी ने बहुत विरोध सहन किया, तो सच्ची गोपी भी रही, परमात्म प्यार में न्योछावर कर दिया एक धक से, तो सच्ची सच्ची मीरा भी बनी, बहुत कुछ सहन किया और बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई। और सभी का इतिहास तो सब जानते हैं, पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, जीवन कहानी में। गंगे दादी को बाबा बहुत प्यार करते थे और यहाँ तक कि गंगे दादी प्यार में बहुत आंसू बहाती थी, बंधन में भी थी तो गाय एक आंसू बहाती थी, तो बाबा ने उस गाय का भी नाम गंगा रख दिया कि गंगा बेटी बहुत आंसू बहाती तो ये गाय के भी बहुत आंसू गिरते हैं, ये भी गंगा है। तो बाबा का बहुत प्यार था गंगे दादी से और गंगे दादी का भी गोपी की तरह प्यार था। बाबा की नज़र गंगे दादी पर थी। गंगे दादी हमारे यज्ञ में नंबर वन पहले पहले वक्ता थी, भाषण करने की कला गंगे दादी में आ गई थी। बाबा ने भी यज्ञ से उनको बाहर भेजा सेवा में। दादी कहती, बाबा दुनिया छोड़ करके हम आपके पास आए, अब आपको छोड़ करके हम बाहर क्यों जाएंगे, हमें क्यों भेज रहे आप। तो बाबा बहुत मोटिवेट करते थे, देखो आपका नाम गंगा है, गंगा तो बहती धारा होती है, गंगा तो पतित पावनी होती है, अगर एक जगह रहेंगी तो तालाब का पानी कहलाएंगी, तुम्हें तो बहती गंगा बनना है और जा करके धरती पर सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाना है, पतित पावनी गंगे कहा गया। ऐसे बाबा कहते कहते दादी को तैयार कर लिया जब सेवा में निकलने के लिए। तो बाबा बोले, बच्ची सबसे पहले दिल्ली राजधानी में जाओ और वहाँ जा करके अपना बाबा का झंडा गाड़ो, नई दुनिया नई राजधानी दिल्ली में ही होगी और हमेशा दिल्ली दरबार राजधानी के रूप में रहा है। जमुना के कंठे पर ही श्री कृष्ण श्री राधे का था, खेल पाल करते थे, तो अपना राज्य तो बीच में ही होगा ना, दिल्ली में, इसलिए सबसे पहले जाके दिल्ली वालों को जगाओ, वहाँ की गवर्नमेंट को जगाओ। दादी ने कहा, बाबा हम तो आपके पास छोटी आयु में आ गए, हमने तो दुनिया देखी नहीं है,
कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके पास रहेंगे। बाबा बोले, बच्ची अंधों ने तो मुल्तान ढूंढ लिया और तुम दिल्ली नहीं ढूंढ सकती हो। शिव शक्ति हो, बहादुर हो। गंगे दादी के साथ में बाबा ने मनोहर दादी को रख दिया। दोनों दादियां जाओ, हर गंगे की जोड़ी निकलेगी, बहुत कमाल करेगी। तो दादी, गंगे दादी, मनोहर दादी, दोनों दादियां निकल पड़े। दिल्ली पहुंच गए आबू से। अब जाएं कहाँ, किसी का तो निमंत्रण था नहीं। तो तांगे वाले से पूछा, तब घोड़े वाला तांगा चलता था स्टेशन पे, कि बताओ यहाँ पे कोई जो है रहने का ठिकाना है मुसाफिरों को। उन्होंने कहा, हाँ देवी जी चलिए, हम आपको पहुँचा देंगे। स्टेशन के ही पास में चांदनी चौक है, चांदनी चौक में गौरी शंकर जी का मंदिर है, उसमें कमरे बने हैं, मुसाफिर को वो देता है पुजारी। वो सीधा मंदिर में ले गया और कमरे वहाँ पुजारी ने दे दिए। अब कमरे तो दे दिए, लेकिन वहाँ भोजन खाना पीना न बर्तन है, न राशन है, न चूल्हा है। पुजारी ने कहा कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं वो आप लोग स्वीकार कर लीजिए। दादी ने कहा, वो तो हम नहीं खाएंगे, अपने हाथ का ही खाते हैं, बना हुआ हमारा नियम है। उसने कहा, ठीक है, अगर आपका नियम है तो हम आपको राशन दे देंगे, आटा दाल चावल, लेकिन 12 बजे के बाद देंगे। जब हमारे भगवान जी का भोग लग जाएगा तब चूल्हा खाली होगा, फिर आप अपना बनाना और खाना। 12 बजे तक दोनों दादियां जो मंदिर में आते थे दर्शन करने, उन्हीं को ही ज्ञान सुनाती थी भक्तों को, लेकिन खाना क्या खाएं, ना कोई टोलियां थी, ना कोई नाश्ते का प्रबंध था। 12 बजे तक भूखी रहती थी दोनों। फिर बाबा कहे, बच्ची जाओ गवर्नमेंट को जगाओ, राष्ट्रपति को जगाओ, प्रधानमंत्री को जगाओ, उनको जगाओ। तो उस समय अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोनों दादियां पैदल निकल पड़ती थी चांदनी चौक से, और पूछते 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 कहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं तो कहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, और वहाँ पहुँच जाती थी पैदल पैदल। कोई कोई कार वाला लिफ्ट भी दे देता था, आगे जाके छोड़ देता था। कुछ खाने का नहीं, भूखे पेट निकल पड़ती थी पदयात्रा करने। वहाँ जब पहुँचती थी तो पीए कहता था, आपने टाइम लिया है क्या, आप पहले टाइम ले लीजिए फिर मिलिएगा, ऐसे थोड़ी मिलेंगे आपको प्रधानमंत्री। तो टाइम देता था, तो पहले गई भूखे पेट, लौट करके आई पैदल, और जो टाइम दिया जिस दिन का उस दिन फिर वैसे पैदल जाएंगी आएंगी। तब उनसे मिल मिल के आके सेवा करती थी। बाबा ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड भेज दिया था कि इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, ये उन्हों को जाके रिकॉर्ड सुनाओ और इसका अर्थ बताओ, और बताओ हम वो पाप की दुनिया को छोड़ चुके हैं और नई दुनिया बना रहे हैं आप सबके लिए। आप राजधानी में अभी भी हैं और भविष्य में लक्ष्मी नारायण के रूप में बन के राज्य करिए। इस तरह से बाबा मोटिवेट करते रहे। दोनों दादियां जाती थी आती थी सारे रास्ते भूख में ही प्यास में। पुजारी 12 बजे राशन देता था, भोजन बनाती थी। और एक दिन वह भी घड़ी आ गई जो किसी ने पीछे से पुजारी को इतना कर दिया फीडबैक बैड कि ये तो जो है ना सब ब्रह्मा कुमारियाँ सनातन धर्म के नाम पर ढोंग कर रही, ये सबको ईसाई बना रही हैं सनातन धर्म का आड़ लेकर के। देखो इनके कपड़े, देखो इनके कल्प वृक्ष में ईसा मसीह बैठा हुआ है। अब पुजारी के दिमाग में जो उल्टा भर दिया, तो आते ही कहता है कि देवी जी अपना उठाओ बैग बैगेज और यहाँ से निकल लो। भाई बात क्या हो गई, क्यों नाराज, क्यों आप इतने हो रहे हैं? तो कहे, कुछ नहीं सुनना मुझे, आप उठाइए और तुरंत जाइए। जब बहुत प्रेम से पूछा उससे, नम्रता से, तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमको एक हमारी आंखें खोल गया कि आप लोग ईसाई हो, निकलो यहाँ से। पानी भी नहीं पीने दिया, कुछ पका के खाने भी नहीं दिया। फिर कहा, बैग बैगेज उठाओ। तो दोनों दादियों ने अपना समेटा और फिर वहाँ से निकल पड़ी। फिर जाकर के सड़क पे तांगे वाले को बुलाया, अब कहाँ जाएं बताओ मुझे, कोई रास्ता जहाँ हमको ठहरने का प्रबंध मिले।
उसने कहा चलिए जमुना के नज़दीक किनारे जो है वो एक धर्मशाला है, तो धर्मशाला हम पहुंचा देंगे, वहां रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। धर्मशाला में पहुंचाया, वहां किसी भी रूम में तथा बाथरूम में कमरे के दरवाजे ही नहीं थे। भाई ये क्या है? कहता देखो देवी जी, यह धर्मशाला, इसका नाम है धर्म, तो धर्म का काम होता है। हम दरवाज़ा लगा दें कमरों में तो ना जाने कब कोई की नियत ख़राब हो तो यहाँ अधर्म का काम भी कर लेगा, तो इसलिए हम दरवाज़ा लगाते ही नहीं हैं ताकि हमारी पवित्रता यहाँ की भंग ना हो। अब क्या करें, दादियाँ कहती बाथरूम में भी कहीं पे भी दरवाज़ा नहीं, तो दोनों मिलके अंधेरे में जमुना जी जाती थी और जमुना जी में स्नान करती थी। सच्ची गोपी कहते ना जमुना में नहाती थी। फिर दोनों दादियाँ साड़ी का एक एक कोना पकड़ के हिला हिला के सुखा के फोल्ड करती थी, फोल्ड करके उसी पे बैठ जाती थी चौकड़ी लगा के पथारी मार के। फिर जमुना जी में जो कोई स्नान करने आता था उसको ज्ञान सुनाती थी। उन्हीं में से एक निकल आया जिसने कहा नवरात्रि है, ये 5 किलो चीनी, 5 किलो सूजी, 5 किलो घी देसी, आप नवरात्रि भर इसका हलवा खाना। तो कहाँ तो सूखे चने भी चबाने को नहीं और कहाँ वो हलवा खाने के लिए मटेरियल दे रहा। दादी को लगा हम यहाँ घी का हलवा खाएं तो इससे तो हम इसको यज्ञ में ना पहुँचा दें, हमारा यज्ञ जो है ना बेगरी पार्ट में चल रहा है। तो दादी बिना टिकट ही चली गई रेल से और सब सामान दे करके आ भी गई दूसरे दिन। इतने में एक इलाहाबाद का भाई वहाँ पहुँचता है जमुना के कंठे पर, उसको ज्ञान मिला, बहुत अच्छा लगा। इलाहाबाद में कुंभ का मेला होने वाला है, वहाँ तो सारे भारत तो क्या सारे विश्व के आएंगे लोग, और आप चल करके वहाँ पे ज्ञान सुनाओ। उसने निमंत्रण दिया, दादी ने बाबा को बताया, बाबा ने कुमारका दादी को इलाहाबाद जाने के लिए भेज दिया। वहाँ पर जब गए तो दादी को फूस की झोपड़ी इस तरह से बनाना और ये करना का ये मेरे बस का नहीं है, ना हमारे कोई शिष्य हैं जो करके हमको दे दें, हमसे तो स्कूल कॉलेजों की सेवा करा लो, भाषण करवा लो। तो दादी कहती एक हफ्ते में हम दोनों ने मिलके 17 भाषण किए। और उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, उसको बहुत अच्छा ज्ञान लगा। उसने अपने पिताजी को जाके बोला पिताजी आप चलिए, देवियाँ बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, आप मिल लीजिए। तो पिताजी को ले करके आई, मिले तो उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि आप चलिए हमारे कुंभ मेला में, वहाँ बहुत संत आएंगे, उनको यही ज्ञान सुनाना और पब्लिक भी बहुत आएगी, क्योंकि ये जो कुंभ मेला है ये साधारण मेला नहीं है, ये महाकुंभ है। बताया कि महाकुंभ माना 6 साल के बाद आधा कुंभ और 12 साल के बाद पूरा कुंभ, और 12 साल वाला 12 कुंभ पड़ जाता है तब महाकुंभ होता है। तो 144 साल के बाद ये नक्षत्र आते हैं, तो ये 144 साल के बाद वाला कुंभ है, इसलिए आप चलिए महाकुंभ है, आपका ज्ञान का प्रचार बहुत होगा, बहुत लोग सुनेंगे। लेकिन आप जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि अपना तो हथियार है हैंडबिल, पेपर, पर्चे, कार्ड, लिटरेचर, वो कुछ है ही नहीं। कैसे किसी को जाके कैंप में किसी महात्मा के आगे खड़े हो जाएं कि हमारा क्या ज्ञान है, तो कहेगा देवी जी कुछ है क्या, सुनाओ या दो। फिर बाबा ने आनंद किशोर दादा को भेजा, वो मैटर बनाते थे, लेकिन छपाएं कैसे? देखो दादियों ने कितना सब कुछ झेला, संघर्ष किया है, वो हमारे नींव की पत्थर हैं जो कूट कूट के बाबा ने उनको ऐसा बना दिया, पत्थर से हीरा। जाती थी पैदल दोनों दादियाँ, प्रकाशमणि दादी और गंगे दादी, शहर में पेपर वाले से तो पेपर डोनेट कराती थी, कोई 1 रिम दे, कोई 2 रिम दे, कोई ना भी दे। आनंद किशोर दादा मैटर बनाते थे और कुमारका दादी थी तो दोनों मिल करके वो छपाई जाके कराती थी, तो छपाने वाला भी फ्री में छाप के देता था, कहती हम तो धर्म का काम कर रहे हैं,
हमारे पास थोड़ी कुछ है, आप लोग छाप दो, तो वो छाप के दे देते थे। तो प्रेस वाले प्रिंट कर दें और कागज़ वाले कागज़ दे दें। दिन भर यही करती रहें दादी दोनों। प्रकाशमणि दादी ने भी बड़े पापड़ बेले हैं यूपी में। तो इतने में एक भाई मिल गया, उसने कहा कि चलो हमारे इलाहाबाद में, दादी ने कहा कैंप में, जो अपनी बेटी के कहने से गया था। दादी ने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम आपका देख ही आए इलाहाबाद का कुंभ मेला, मेरे बस का नहीं है झोपड़ी उपड़ी लगाना। उसने कहा अरे देवी जी आप चलेंगी, हमारी गाड़ी में बैठिए। फिर उसने परिचय दिया कि मैं तो नगर का मजिस्ट्रेट हूँ और मेला मजिस्ट्रेट भी मैं ही बनाया गया हूँ, तो सारे मेले का जो कंट्रोल है, देखभाल है, प्रबंधन है, वो मेरे हाथ में है, आप चलिए। तो दादी दोनों गई, प्रकाशमणि दादी, गंगे दादी, वो सीधा ले जाके अपने ऑफिसर कैंप में उतार दिया। का अंदर देखो ड्राइंग रूम भी है, तो बेडरूम भी है, किचन है, स्टोर है, बाथरूम है, और पानी के लिए हैंड पाइप है, बत्तियां लगी हुई है, बत्ती पानी की सुविधा है। आप मेरा पूरा कैंप ले लो, इसमें रहो, इसमें बनाओ, खाओ, सेवा करो। और हम तो कुर्सी डाल के बाहर, सर्दी का दिन है, माघ मेला में, माघ मेला हुआ था दिसंबर जनवरी के बीच में, तो हम तो बाहर बैठ के अपना काम कर लेंगे, धूप में पूरा कैंप आपको समर्पित है। तो देखो बाबा जो कहता ना, तुम निकलो, आगे कदम बढ़ाओ, प्रारब्ध बनी पड़ी है। तो कैसे बाबा अपने बच्चों का मददगार है, ये अनुभव की बात है कि तुरंत मजिस्ट्रेट ने अपना कैंप दे दिया। इसी तरह सेवा चलती रही। फिर कानपुर कैसे आना हुआ, वो तो इलाहाबाद का निमंत्रण था। तो कानपुर के एक जो है लेबर कमिश्नर ऑफिस के बॉयलर सेक्शन के डायरेक्टर थे, तो जो बॉयलर सेक्शन वाले डायरेक्टर साहब थे वो मजिस्ट्रेट साहब से मिलने गए इलाहाबाद। तो वहीं कुंभ मेला में मिले, बोले आपके कैंप में कौन सी फैमिली रही पड़ी है। बुलाया, मिलाया, परिचय कराया, ज्ञान सुनवाया, तो कानपुर वाले डायरेक्टर को बहुत अच्छा ज्ञान लगा। तो बोले आप लोग जब आबू जाएंगे माघ मेला पूरा करके, तो कानपुर में स्टे कर देना 6-7 दिन, हमारे सब मित्र संबंधियों को ज्ञान सुना के जाना। और सब तय हो गया था। उस समय तो मोबाइल, ईमेल, ये सब फ़ोन नहीं था, केवल एक टेलीग्राम दिया जाता था जिसको तार कहते थे, पुराने लोग जानते हैं तार किसको कहते हैं, और उसी में सब प्रोग्राम भेज दिया तार में कि आप इनको इतने बजे और यहाँ रिसीव कर लेना। जब रिसीव करने की बारी आई तो उन दिनों में एक ऑफिस के अंदर सारे अधिकारियों के लिए एक कार एम्बेसडर कार होती थी। ड्राइवर बारी बारी सब अधिकारियों को घर से ले आता था और शाम को पहुंचाता था। ऑफिस की गाड़ी वो यूज़ नहीं कर सकते थे डायरेक्टर साहब, क्योंकि और अधिकारियों को आना जाना है। तो उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी चाहिए, तो जिससे गाड़ी मांगी अपने किसी मिलने वाले परिचय दायरे में, वो बिजनेसमैन था बड़ा, उसने कहा मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है, मैं तो दे ही नहीं सकता। लेकिन वहीं पर दूसरे बैठे थे सेठ, वो सिंधी भाई थे, तो उनका नाम था बीरूमल। तो बीरूमल जी ने कहा किसको लाना है, आप मेरी कार ले लीजिए, मैं तो स्वयं चलूँगा, अगर वो कराची की बहनें हैं तो हम भी तो सिंध के हैं, पार्टीशन में आ गए। जब वो सुबह गए, दादियों को देखा, बहुत 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 प्रभावित हो गए। पहले ही दिन स्टेशन पर, कानपुर स्टेशन पे कहा नहीं हम आपको जो है ना धर्मशाला में नहीं रहने देंगे, हम तो रहे महलों में, और हमारी बहनें त्यागी तपस्वी और हमारे वहाँ से बिछड़ी हुई यहाँ आई है भारत में, अहो मेरा भाग्य, मैं आपको तो अपने गलीचे पे, अपने घर में, अपने कमरे में रखूँगा। दादी ने कहा हम लोग नहीं रहते। बोले अरे नहीं, मेरा बेटा तो विदेश में है, उसका तो पूरा पोषण बना, तैयार है, अनटच है, आप उसमें चल के रहिए। तो ज़बरदस्ती फिर दादी को, मनोहर दादी को बाबा ने पहले बुला लिया था, प्रकाशमणि दादी को भेजा था। तो गंगे दादी, प्रकाशमणि दादी
जो है ना वहाँ से आए कानपुर में, और कानपुर में सिंधी भाई अपना घर ले गया। इलाहाबाद से चलते समय देखिए बाबा ने बड़े वंडरफुल अनुभव कराए हैं और चमत्कारिक काम कराया है। जब इलाहाबाद से चलने लगी गंगे दादी तो एक भाई ने पत्र दिया और कहा देखो ये जो है ना जिसको मैंने पत्र लिखा है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मिलने वाला और बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत उदार दिल है, फ्राक दिल वाला है, आप इनसे मिल लेना, ये आपकी सब बातों में सहयोगी बन जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो जब गंगे दादी को सिंधी भाई अपने घर ले गए, धर्मशाला में नहीं उतारा, थोड़ी देर के बाद फिर दादी रेडी होकर के वो चिट्ठी लेके आई और वो सिंधी भाई को हाथ में दिया, बोली ये जो है ना आप इनको जानते हो तो बुला के मिलवा दीजिए। वो चिट्ठी पढ़ करके वीरूमल भाई जो सिंधी भाई स्टेशन गए थे लेने दादी को, जिन्होंने अपने घर में दादी को रखा, वो बहुत ज़ोर से हंसे। दादी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हैं, कोई मिस्टेक है चिट्ठी में? कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ये चिट्ठी जिसके लिए लिखी गई है वो तो हम ही हैं। अब देखिए जो बिना जान पहचान के बात हुई, डायरेक्टर के कहने से लेने गया, जबरदस्ती अपने घर लेके गया, और वही व्यक्ति जिसको कि पत्र लिखा था, तो बस और क्या चाहिए, सोने में सुहागा मिल गया। वो अपने स्तर के लोगों को बुला के कोर्स करवाने लग गए और वो थे बहुत बड़े सेठ सिंधी, यहाँ अच्छा उनका कारोबार चल रहा था, उस जमाने में भी उनकी टॉकीज वगैरह चलती थी, बहुत चीज़ें उनकी थी, अच्छे व्यापारी थे। तो उन्होंने जो है ना अपना जो इंश्योरेंस का काम कराते थे, तो इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे बनारस वाले गुप्ता भाई जी कानपुर में, और वो कंपनी का नाम भी मुझे याद है, अंग्रेज़ों की कंपनी थी इंश्योरेंस की, रूबी इंश्योरेंस कंपनी। तो गुप्ता जी कोई ज़्यादा इतना भक्ति पूजा पाठ में नहीं लगते थे, उन्हीं के कहने से सिंधी भाई के कि चलिए मैनेजर साहब एक बार आपको हम बहुत अच्छी तपस्वी देवियों से मिलवा लाते हैं। तो तपस्वी देवियों से मिलवाने लाए, गंगे दादी को देखा, बहुत बहुत खुश हो गए, और उसके बाद से रेगुलर गुप्ता जी, उनकी युगल कमला बहन जी रेगुलर बाबा के बच्चे बन गए और धक से वारिस क्वालिटी निकल आए। जो वर्तमान समय उनके बेटे अशोक भाई जी हैं और अनिल भाई जी हैं, अभी भी वो वैसे ही सेवाओं में मददगार हैं जैसे गुप्ता जी थे। तो इस तरह से वो दोनों बहुत वारिस बन करके और अभी भी लगे हुए सेवा में, तब बहुत छोटे छोटे थे, 2 साल के 4 साल के। तो इस तरह से बाबा ने उनको कानपुर बुलाया, फिर धीरे धीरे हरिद्वार में एक स्वामी शिवानंद ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसका नाम था विश्व शांति सम्मेलन पीस कॉन्फ्रेंस। तो निमंत्रण मिला, बाबा ने कहा गंगे बेटी तुम जाओ। दादी ने कहा बाबा हमने तो कभी भाषण किया ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, आता कहाँ है? बोले नहीं नहीं, बाबा बोले नहीं, आपको ही जाना है और मंच पर खड़ी हो जाना और सरस्वती आपके जबान से बोलेंगी, आपकी वाणी से, आपको कुछ नहीं करना। और बाबा का आशीर्वाद, बाबा की दुआएं, गंगे दादी गई और जो लेक्चर दिया विश्व शांति के ऊपर, सारे जितने आए थे वक्तागण आध्यात्मिक, सब धार्मिक नेता इकट्ठा थे पूरे विश्व के, विश्व शांति सम्मेलन था, सब में नंबर वन गंगे दादी का भाषण था, सब मोहित हो गए। फिर वहीं से जापान का निमंत्रण मिला, जो जापान से आए थे बोले हमारे यहाँ आना है, लेकिन जिनको हम लोग कहते बाबूजी माताजी, जो सिंधी भाई के घर के रहने के बाद उनके घर में शिफ्ट किया, जो मम्मा जाते थे बाबा जाते थे मास मास, मम्मा बाबा कानपुर में उनके ही कोठी में रहते थे माता जी के, तो उन्होंने कहा कि माता जी बाबू जी ने कि हमें भी ज्ञान सुनाओ, हमारे घर में रह के सुनाओ। तो उनके
घर ऐसे धीरे धीरे। फिर जब जापान जाने की बारी आई तो माता जी बाबू जी ने कहा कि गंगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपका नाम गंगा है और आप भारत की गंगा है। गंगा भारत में बहती है, विदेश में नहीं बहती है, तो आपको छोड़ के नहीं जाना। ये नन्नी फुलवारीगा कौन, इसको हरा भरा करेगा? आपने पौधे लगाए तो संभालना भी आपको ही है। गंगे दादी ने बाबा को लिखा तो बाबा ने फिर बड़ी दादी यानी कुमारका दादी को भेजा, रतन मोहनी दादी को भेजा, आनंद किशोर दादा को पीछे से भेज दिया कि दोनों दादियां गई हैं, जापान भी नया है और वहां जा करके कैसे सेवा करेंगी। तो मैटर बनाने के लिए, छपाई कराने के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि आनंद किशोर दादा की इंग्लिश बहुत अच्छी थी तो ट्रांसलेशन के लिए भेज दिया। गंगे दादी फिर जापान नहीं गए, गंगे दादी कानपुर की सेवाओं में लगे रहे, आदि से लेके अंत तक भी एक ही जोन में रहे और सारी यूपी के सेंटरों की स्थापना की। दादी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं मैंने देखी, क्योंकि मैं भी 45 बरस कंटिन्यूस दादी के साथ रही, अंग संग रही। जहाँ दादी जाते थे वहाँ मैं जाती थी, जहाँ दादी लौटते थे मैं लौटती थी, और इतने बरस दादी के रूम में ही मैं रहती थी, क्योंकि दो ही खाट थी, एक दादी की और मेरी, बस। तो जो रात दिन एक कमरे में रहना, कमरे में सोना, साथ में खाना, दादी से बहुत कुछ अनुभव किया। पहली बात जैसा बताया कि दादी लेक्चर करने में नंबर वन थी, भाषण देने में, लेकिन उनकी हिंदी बड़ी स्पष्ट थी, सिंधी होते भी हिंदी भाषा बहुत स्पष्ट थी। तो सभी लोग गंगे दादी को बुलाते थे, कॉन्फ्रेंस हो, सम्मेलन हो, कुछ भी हो, दादी को बुलाए, बाहर वाले भी तो ब्राह्मण कुल भूषण भी। तो दादी ने कभी जीवन में ना नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा आज मेरे सिर में दर्द है, बुखार है, तो मैं नहीं आऊँगी भाषण करने। हाँ होता था, लेकिन कहती थी नहीं मैं आज आऊँगी, बाबा की सेवा है, मना कहीं नहीं किया, किसी भी सेवा के लिए ना नहीं किया। दूसरा, गंगे दादी के अंदर नम्रता भाव बहुत था। वो किसी के आगे भी इतने बड़ी ऊंचाई पोस्ट पे होते, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, कभी उन्होंने ये शो नहीं किया कि मैं भी बाबा की कोई अनन्य बच्ची हूँ, कभी नहीं शो किया, या मैं हेड हूँ, नहीं, छोटों को बड़ों के समान ही चलाया, बराबर का दर्जा दे के चलाया, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी, एकदम जैसे माँ बच्चे को पालती है ना, इस तरह से पालना दिया। तो गंगे दादी के अंदर एक विशेषता ये भी रही नम्रता की, जैसा नाम वैसी उनकी महिमा। गंगा जलधारा बहुत पवित्र थी, वो पवित्रता की तो महिमा ही क्या करें, जो दादी के आगे सुंदर सुंदर वाइब्रेशन पवित्रता के आते थे, और जो भी मिलता था उसकी भी बुद्धि चेंज हो जाती थी, जैसे गंगा स्नान करके वो शुद्ध आत्मा बन जाती थी। तीसरा, गंगे दादी सांप को समान देखती थी, कभी भी किसी को ऊंचा नीचा नहीं, कभी किसी के साथ दूसरा व्यवहार नहीं। हाँ, वीआईपी को वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट करना, जो जैसा है उसको वैसे ही करना, समझ से करना, लेकिन वो भी समझता कि मुझे दादी ने बहुत प्यार किया, तो वीआईपी भी समझता बहुत प्यार किया, एक छोटा बच्चा भी समझता मेरे से ही दादी प्यार करती है। तो दादी जैसे सबकी प्यारी दादी थी, किसी लिए शिकायत नहीं था कि उसको पूछती हैं और हमको नहीं पूछती हैं, यहाँ तक कि हर एक को दादी सम्मान भी देती थी, सम्मान देने का गुण बहुत था। कहती थी कोई भी हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे तसला झल्ली उठाने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कभी भी टोली दो तो बहुत प्रेम से और कायदे से दो, चलता हालत में नहीं दो, समझ लो जैसे और वीआईपी को देते हैं और भाई बहनों को देते हैं। दूसरा, कभी भी किसी को ठंडा भोजन नहीं देना, ठंडा भोग नहीं देना, चाहे दिन भर में 15 बार देना हो तो जो गर्म करने वाली चीज़ है उसको गर्म गर्म ही देनी है। यहाँ तक कि पकौड़ी है तो एक साथ नहीं तलाती थी, आधी कच्ची पक्की करके रखा देती थी, और एक चढ़ाई चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी रहती थी, जैसे कोई आया
कढ़ाई जलाओ, तेल गरम करो और पकौड़ी तलो, मना गरम गरम ही देना, चाहे वो रिक्शा चालक क्यों ना आ जाए। कहती थी नहीं, तुम्हारी नज़रों में वो रिक्शा चालक है, वो भी अपने घर का राजा है, अभी घर पहुंचेगा तो उसके बीवी बच्चे लोगों कैसे उसकी खातिरी करते हैं। तो किसी को हीन भावना ना लगे कि हम नौकर हैं तो हमको नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, उसको भी सम्मान महसूस हो। और कभी भी किसी के साथ ऊंचा नहीं बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, कम बोलना है और बहुत प्यार से उसको समझाना है। तो हमारी क्लास में एक भाई आता था जो थोड़ा दिमाग का, जिसको कहना ढीला, कहते ना पेंच ढीला है उसका, वो क्लास में पैर पे पैर चढ़ा करके लेट जाए और लेटे लेटे मुरली पढ़े या गीत गाए या कुछ मना ऐसे करता रहता था। तो मैं कहती थी देखो दया शंकर, ठीक से मैं फोर्सली बोलती थी, आश्रम है, गृहस्थी घर नहीं, कैसे बैठना उठना है। तो दादी फिर मुझे अपने पास बुलाती थी, कहती थी सुनो क्या बोला तुमने। मैंने कहा यही तो बोला, और क्या बोला। कहा नहीं, उसको प्यार से समझाओ। हमने कहा दादी समझता कहाँ है, रोज़ रोज़ वही काम करता, समझे तो प्यार से समझाऊँ ना। बोली अच्छा तुम्हारे डांट का असर हो रहा उसके ऊपर, वो भी तो नहीं हो रहा तो तुम क्यों डांट रही हो। एक तो तुम्हारे प्रति उसको इम्प्रेशन गलत होगा कि बहन जी हमको डांटती हैं, और दूसरा वो सुधरेगा भी नहीं, तीसरा तुम्हारी अवस्था खराब होगी, तुम्हारे मनसा के ऊपर उसका असर आएगा कि देखो सुनता नहीं है। तो इसलिए इन सबसे बचने के लिए उसके साथ प्रेम का व्यवहार करो, वो भी शिव बाबा का बच्चा है, वो भी किसी समय काम आएगा। अरे खोटे सिक्के भी काम आते हैं समय पर। तो मैं कहती थी दादी क्या काम में आएगा आप मुझे बताओ ना, तो ये तन की सेवा कर सकता है, इतना कमज़ोर है तन से, थक जाता है, कुछ कर ही नहीं सकता। बम फैक्ट्री में काम करता था डिफेंस में। फिर हमने कहा ना इसके पास इतना सेंस है कि उठने का बैठने का बातचीत करने का तरीका देखो, ना ये धन की सेवा करता है, ना बुद्धि कोई प्लानिंग बुद्धि है जो हमको एडवाइज़र करे बढ़िया सेवाओं की, हमें प्लानिंग बताए, और ना कोई इतनी पोजीशन वाला है जो ये खड़ा हो जाए तो हम किसी को परिचय करा सकें कि ये पोजीशन वाला व्यक्ति बाबा के घर में आता है, मेडिटेशन करता है। तो जब वो तन से नहीं, मन से नहीं, धन से नहीं, जन से नहीं, पोस्ट पोजीशन से नहीं, तो ये खोटा सिक्का क्या काम आएगा, कब काम आएगा। दादी कहती थी नहीं नहीं, बाबा ने उसको चुना है, समय पर काम आएगा। फिर वही बात, खोटा सिक्का समय पर काम आता है, इसलिए सब के साथ प्रेम का व्यवहार करो, सबको इज्जत दो, सम्मान दो, प्रेम दो, जो देंगे वो लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। तो हम कहते थे ठीक है दादी, दादी समय पे देख लेना तुम, ये खोटा सिक्का काम में आएगा। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जो प्रधानमंत्री थी अपनी, उस समय सबको मालूम है कि बहुत दंगा हुआ था, सरदार लोगों के लिए बहुत जुल्म सहन करना पड़ा उनको, कर्फ्यू लग गया था, घर से कोई निकल नहीं सकता था, हमारा आश्रम भी कानपुर का सरदार जी के घर में था, उनके मकान में किराए पर लेके, सरदार जी का घर जलाया गया, हमारा आश्रम भी जल गया था, यहाँ तक कि पेस्ट ब्रश साबुन हाथ मुंह धोने के साबुन कपड़े टॉवल कुछ भी नहीं थे, और कर्फ्यू लगने के कारण ज़बरदस्त कर्फ्यू था, मिलिट्री लगा दी गई कि कोई बाहर निकले तो सीधा गोली मारना है, डर के मारे कोई निकलता नहीं था। तो मिलिट्री तैनात है हर समय, लिए बंदूक खड़ी है, फिर क्या करें। तो वो जो भाई जिसको मैंने बताया कि दादी कहती थी खोटा सिक्का काम में आएगा, तो वो डिफेंस में सर्विस करता था, उसका आईडी गले में पहन करके, फिर वो हम लोग को झाड़ से नीम की दतैन तोड़ के ला के देता था, तब हम उसी का ब्रश करते थे, छोटे 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 साबुन कैंटीन से ला के देता था हाथ मुंह धोने के लिए, और फैक्ट्री के आगे जो लेबर लोग वर्कर निकलते हैं तो छोटे छोटे दुकानें लग जाती पटरी पे,
छोटे टॉवल, छोटी हैंकिंग, छोटे छोटा ये वो बताया था ना कि पैसा नहीं खर्च कर सकता था, तो छोटे छोटे लाए हाथ में पोछने के लिए और बहुत निम्न क्वालिटी का लाता था। उसके अलावा कैंटीन खुली होती थी तो कभी दूध, कभी दलिया, कभी दाल कैंटीन से ला के देता था। दादी ने कहा देखो आया खोटा सिक्का काम में, इतने कड़े कर्फ्यू में जो बाबा के बच्चे थे जिनको तुम सम्मान देती थी, भोजन टेबल पर खिलाती थी, उनके लिए विशेष पका करके भी तुम खिला देती थी, आज वे चाह के भी नहीं आ सकते, कर्फ्यू लगाए, लेकिन इसके पास डिफेंस की आईडी है, वो पहन करके ये सुबह शाम चक्कर लगाता है और सबके घर से ले आता है। फिर तो जिन भाई बहनों के पास जो सामान है भेजना शुरू किया, हमारा तो आश्रम पूरा जल गया था। हम लोगों को तो एक होटल वाले भाई ने कर्फ्यू का पास बना के ले जाके अपने होटल में एक पोषण दिया था। अब उन्होंने रख तो दिया, खाएं क्या, बिछाएं क्या, पहने क्या, मुँह हाथ धोएं तो पोछें किस में, सब तो जल के राख हो गया आश्रम, 3 दिन आग जलती रही। तो वही छोटा छोटा सामान ला के देता था। गुप्ता जी के घर से जो बनारस वाले भाई साहब हैं उनके बच्चों ने सब साधन किया, 6-6 का सेट जैसे होता ना, 6 कटोरी, चम्मच, गिलास, प्लेट, थाली, मैं सब कुछ 6-6 का दिया। तो अब उसको लाए कौन, कर्फ्यू लगा है तो वो ही ले करके आता था। भोजन आश्रम में बने कहे कैसे आए, जो आप लोग भोजन करो, तो उसी आश्रम में वो जाके टिफिन ले करके आता था और फिर टिफिन दे आता था, दूसरा ले आता था भोजन, ऐसे बारी बारी सेंटरों से और अनन्य बाबा के घरों से। तो किसी का 8 दिन के बाद नंबर आता था, 9 दिन के बाद आता था, और हमारा काम चल रहा था तो दादी का देखो आया खोटा सिक्का काम में। ऐसे सबकी कदर करो, किसी की बेकदरी नहीं करो। और पांचवा दादी कहती थी कभी जो है ना फीलिंग में नहीं आओ, बातें तो बहुत आएंगी, अगर एक एक बात को हम फील करते रहेंगे तो फीलिंग, फिलू की बीमारी है, फिलू की बीमारी होती है तो ना काम करने का मन करता है, ना खाना खाने का, ना किससे बात करने का, हड्डी हड्डी दर्द करती है। तो ये जो गलत फीलिंग आ जाती है ना किसी के द्वारा, ये भी ऐसे ही करती है, उसके लक्षण भी यही हैं। तो कभी फीलिंग में नहीं आना है, चाहे हमारी कोई महिमा करे और चाहे हमारी कोई गिलानी करे, कुछ भी नहीं, अपने में मजबूत रहना है, ना उनके खुशी में खुश होना, ना उनके दुखी करने से दुखी होना। जब हम दुख लेंगे ही नहीं तो वो हमें दे के करेंगे क्या, दादी ऐसे समझाती थी। और मैंने प्रैक्टिकल देखा कि जब 1990 में गंगे दादी को प्रकाशमणि दादी विदेश लेकर के गए, क्यों लेके गए उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि जब हमारा पांडव भवन था, बाबा उसमें रहने लगे थे भरतपुर की कोठी से आके, ब्रिज कोठी से, तो बहुत छोटा पांडव भवन था, जो बाबा का कमरा, होम्योपैथी क्लास जहाँ बाबा का अपनी क्लास होती थी, जहाँ होम्योपैथी की स्टोर है, और मम्मा का कमरा, और पीछे एक हॉल जिसमें 8-10 खाट थी, बाकी दादियाँ सेवा में निकल गई। तो बाबा कहता था बच्ची मैं तो घोड़े के तबेले में रह रहा हूँ, ये घोड़े का तबेला है, ये कोई मकान है, अभी तो सबको बहुत अच्छा, दीवारों को, फर्श को सब अच्छा कर दिया गया, लेकिन तब ऐसा अच्छा नहीं था, बिल्कुल साधारण था। तो बाबा को वहाँ कमरा था, गंगे दादी ने कहा बाबा बच्चे आते हैं आप मना करते हैं, और जब किराए का मकान मिलता है तो आप कहते हैं कि वेलकम, भेजो बच्चों को, तो क्यों ना बाबा ये जो पांडव भवन के चारों तरफ पहाड़ी है इसको खरीद कर ली जाए और इसी पे अपना भवन बनाया जाए, सब लोग बनके बनाएंगे मिलके। तो पहाड़ी खरीद के गंगे दादी ने दिया सबसे पहले, और जो पहाड़ी देने के बाद पहला मकान है जो मेडिटेशन हॉल बना है उसके तरफ 2 जो कमरे बने हैं वो कानपुर से गंगे दादी ने मकान बना के दिया। बाबा ने बड़े प्रेम से नाम रखा हवा महल, बड़ी अच्छी हवा आ रही है, उसका नाम हवा महल रख दिया। और जो हमारा ये है शांति स्तंभ बाबा का यादगार,
पीछे उसके सामने शांति स्तंभ के जो कमरे बने जिसको एवर हेल्दी कहते हैं, ऊपर का पोर्शन नहीं था, नीचे नीचे के दो तीन कमरे थे। तो वो पटना के एक जालान बाबू निकले थे, उन्होंने बना के दिया बाबा को। ये सब बाबा के टाइम मकान बन गया। तो इसी प्रकार से उन्होंने उसमें मदद की, गंगे दादी ने खरीद के मदद की, बना के दिया। तो साकार बाबा कहते थे, गंगे बेटी तुमने तो बाप को भी कर्जदार बना दिया, लेकिन बाबा तुम्हें समय पर इसको चुकतू करेगा कर्जा। अब कब चुकतू करेगा तो बाबा जाने, त्रिकालदर्शी उसका काम जाने, क्यों बाबा बोलते थे बार बार। लेकिन जब 84 के दंगे में सब जल गया, कुछ भी नहीं रह गया, तो कुमारका दादी ने कहा कि गंगे अब तुम दूसरा मकान देखो। पूरे कानपुर भर में नहीं मिल रहा था, एक मकान मिला, वो भी सरदार का जला हुआ नीचे का पोर्शन, उनको भी लोगों ने जला के सब लूट लिया था। तो वो मकान में रमेश भाई देखने आए। रमेश भाई ने कहा, अरे गंगे दादी इसको तो पंडित से भी मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बहुत काम का है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नीचे ऊपर दो हॉल है, 24 कमरे हैं, 11-12 लैट्रिन बाथरूम है, आगे छोटा सा लान है, साइड है, पैसेज है, बैक में पैसेज है। बोले बस बस अभी उसको बुलाओ सरदार को। अरे भाई अग्रीमेंट तो करें, लेकिन एक टक्का नहीं है, मकान जल चुका है तो क्या करें। रमेश ने कहा, मैं जाके दादी को सुनाता हूँ, कुछ होगा। तब दादी ने कहा कि गंगे दादी आप परेशान मत हों, बाबा ने कहा था कि मैं ये कर्जा उतारूंगा, गंगे बेटी ने मुझे कर्जदार बनाया है। बड़ी दादी ने पहला मकान है जो कानपुर से ट्रस्ट से रमेश भाई से पैसा भेजा, और वो मकान यज्ञ की तरफ से कानपुर में लिया गया। तो इस तरह से बाबा के बच्ची कर्जा चुकाऊंगा तो गंगे दादी का चुकाया। और फिर बड़ी दादी कहती थी, गंगे तुमने मुझे जापान भेजा, जापान जाने के लिए पैसा यज्ञ में नहीं था, कानपुर से उनको पैसा मिला। 50 कराची से इधर आ गए थे, 54 की बात है ये कॉन्फ्रेंस की। तब तक सबके कपड़े पुराने हो गए, फटे हो गए, दादियां तो फ्रॉक पहनती थी उस समय। अब जापान जाएं तो कपड़ा ही नहीं है, क्या लेके जाएं। कानपुर से माताजी बाबूजी ने तीनों को कपड़े सिला के दिए और टिकट बना के दिया। फिर जो है वहाँ गए, बाबा ने कहा बच्चे वहाँ से एक टका लेके नहीं आना। तो गंगे दादी गई नहीं, लेकिन प्रबंध कर दिया। तो दादी कुमारका दादी कहती थी कि गंगे तुमने मुझे विदेश भेजा, पहली नींव कानपुर से पड़ी विदेश सेवा की, और इसका रिटर्न मैं तुम्हें दूंगी। अब क्या देंगी, दादी ने कहा मैं एक दिन आएगा जो वर्ल्ड टूर कराऊंगी, थोड़ा ठहरो और भी सेंटर खुल जाए तो और कंट्री में जाने को मिलेगा। तो सन 1990 में बड़ी दादी ने गंगे दादी का टिकट बनाया और अपने साथ टूर पे लेकर के गई, जहाँ जहाँ गई प्रकाशमणि दादी वहाँ वहाँ गंगे दादी गई। तो घुमाने के बाद, वहाँ से लाने के बाद, दादी कहती, गंगे मैं भी तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो गई, अब तुमने मुझे पहले विदेश भेजा था। तो इस तरह से गंगे दादी का त्याग था, नहीं तो कोई कहता नहीं नहीं निमंत्रण तो मुझे है जापान जाने की, नहीं बाबा दूसरों को भेज दे। तो त्याग भी था, तपस्या भी थी और सेवा भी थी। और दादी कभी भी कोई बुरा कहे, भला कहे, मान करे, अपमान करे, उनके दिमाग में उसके प्रति जरा राई भर भी संकल्प नहीं आता था। कभी कभी मैं कहती थी, दादी वो आपको इस तरह से बोलते हैं, आप उनको बहुत गले लगाते हैं। तो कहती थी, क्या उसके पीछे हम अपना संस्कार बिगाड़ लेंगे, उसका संस्कार उसके पास, उसकी वाणी उसके पास, उसका कर्म उसके पास, मैं अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ूंगी, अपने मनसा को, स्थिति को नहीं बिगाड़ूंगी। जो एक प्रैक्टिकल में उदाहरण दे रहे हैं कि जब 91 में दादी के साथ से लौट के, तो एक बहन ने पता नहीं किस बात पे नाराज थी, सेंटर इंचार्ज थी, मैं नाम नहीं लूंगी, उस बहन ने दादी को बहुत कुछ बोला, बड़े आवेश में बोला और बहुत देर तक बोला।
जो हमें लगता था कि हम इसको धक्का दे दें, लेकिन नहीं, दादी तो हमेशा कहती थी वो अपना कर्म कर रहा, हमें अपने संस्कार नहीं बिगाड़ने। जब बोल के पूरा हुई, इतनी गंभीर दादी, सुनती रही, समाती रही, एक शब्द में जवाब दे दिया। कहा, बहन आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि मैं विदेश से लौटी तो सबने मेरा रिसेप्शन रखा, मुझे स्वागत किया, माला पहनाई, तो तुमने जो तुम्हारे पास था तुमने स्वागत किया, तुमने माला पहनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके तुरंत बाद ही उस बहन को दादी चाय बना के अपने हाथ से पिलाया। ये महानता थी हमारी दादियों की, हमारे पूर्वजों की विशेषता, सबको अपना वंशज देखते थे, पूर्वज बन के ही सेवा करते थे। कभी भी मेरे हाथ से चाय नहीं बनाने दिया, क्योंकि मैं चाय कभी पीती नहीं थी। दादी कहती मुझे पीना, मैं खुद चाय बनाऊंगी। लास्ट दिन तक भी दादी ने अपने हाथ से चाय बनाई। और सबसे बड़ी बात है, गंगे दादी ने लास्ट समय, शरीर छोड़ने के 15-20 दिन पहले तक अपने कपड़े धुलाई करती थी, और किसी सेंटर पर जाती थी वहाँ भी नहाने के साथ ही धो डालती थी। एक सेंटर पर दादी गई तो बहनों ने शर्त रखी थी कि आज तो हम गंगे दादी का कपड़ा ले ही लेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन ले क्या लेगी दादी, तो धो के निचोड़ के बाल्टी में रख करके निकली है वॉशरूम से। तो सबने कहा, देखा अब तुम फेल हो गई ना, तुम कैसे दादी कपड़ा ले लोगी, धोती खुद थी और उसके बाद में वो प्रेस भी खुद करती थी, मेरे भी कपड़े कर देती थी। कहती थी मैं कर रही हूँ ना, तब तक दूसरा काम कर लो। कोई बड़ी दादी किसी छोटी बहन का कपड़ा नहीं प्रेस किए होगी, गंगे दादी ने किया। तो इस तरह दादी स्थूल काम बहुत अच्छा करती थी। कहती थी लाओ बर्तन तो मैं खड़े खड़े मान सकती हूँ ना, गमले को पानी दे सकती हूँ, मैं झाड़ू भी लगा सकती हूँ, तुम पोछा लगाओ, मैं डस्टिंग करती हूँ, मैं डस्टिंग तो कर सकती हूँ ना। तो वो मेरे साथ बराबर लगे रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि इतनी बड़ी दादी बन गई है। धार्मिक प्रभाग की चेयरमैन होते हुए भी दादी सब काम करती थी, और जब मैं बहुत वर्क करती थी या दूसरे दिन और काम करना है फील्ड का, तो सवेरे दादी कहती थी तुम सो जाना, तुम उठना नहीं, तुम्हारे बदले तो मैं 1 घंटा और योग लगा दूंगी, मैं तेरे लिए योग लगा दूंगी, तुम आराम करो, दिन में तुम्हें कल फिर बहुत वर्क करना है। तो मैं कहती थी दादी आप कैसी दादी हैं, लोग कहते अमृत वेले उठो और आप कहती तेरे बदले मैं गंगा जी की डुबकी लगा लूंगी, मैं बाबा से योग लगा लूंगी। तो इस तरह से गंगे दादी की बहुत सारी विशेषताएं, कितना सुना के कितना सुनाएं, पूरी भागवत है। तो छोटे में 60 में आपको सुनाया, और ऐसे दादी के साथ मुझे 45 साल रहने का सौभाग्य मिला। कोई बहन नहीं होगी जो एक बड़ी दादी के साथ इतना बरस रही हो। तो दादी ने टोलियां सिखाई, भोजन सिखाया, उठना बैठना चलना, क्लास कराना, और सबसे बड़ा भाग्य मिला कि पूरे भारतवर्ष का भ्रमण दादी ने किया, जहाँ जहाँ बुलाया सबने, मुझे दादी साथ ले जाती थी, तो मैंने सारे सेंटरों का, सारे प्रांत का टूर कर लिया। तो अब दादी के बाद सब बुलाते हैं तो भी मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो दादी ने बहुत कुछ करके दिखाया, सिखाया। कपड़ा सिलाई में 1 हम साफ के कपड़े दादी सिल देती थी, मशीन निकालो मैं सिलती हूँ, फटाफट सिल के रख देती थी। शरीर छोड़ने के 1 महीना पहले भी दादी ने अपने खुद के कपड़े सिलाई किए थे, क्योंकि मेगा प्रोग्राम करना था तो बोली धोने के फुर्सत नहीं मिलेंगे, तो मैं थोड़ा और सिलाई करके एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। तो इस तरह गंगे दादी स्थूल भी करते थे, सूक्ष्म भी करते थे, खाने पीने में बड़ी इकोनॉमी से चलते थे, पहनने में इकोनॉमी से चलते थे। यज्ञ के प्रति दादी को बहुत रहता था, हमें यज्ञ के लिए कितना ना कर दें, बाबा के लिए, मम्मा के लिए, हमारे भाई बहन यज्ञ में हैं, हम इतने सुख से रहें और हमारा यज्ञ इतना सुख से ना रहे, तो दादी को रात दिन यज्ञ की चिंता लगी रहती थी और यज्ञ के लिए करती थी।
अपने तो ब्लाउज भी फट जाए तो कहती क्या है, दूसरा कफ लगा लेंगे ना, दूसरी कॉलर लगा लेंगे ना, बाकी कपड़े तो मजबूत हैं, ऐसे थोड़ी उसको फेंक देंगे इधर उधर करके। नहीं तो रिपेयरिंग भी साफ के कपड़े रिपेयर कर देती थी, कहती देखो ऐसे थोड़ी थोड़ा फटा तो छोड़ देंगे, अगर बीच में साड़ी घिस जाए, काटन साड़ी होती थी तो दोनों ओर छोर को जोड़ करके बीच में काट के फिर जोड़ देती थी, सिलाई करती थी, कहती अब पहनो दोनों पल्ले तो मजबूत है ना, और जो सड़ गया है आगे पीछे का वो पल्ले में आ गया। तो ऐसे दादी बहुत बहुत किफ़ायत से चलने वाली थी, चलाने वाली थी, और एक दाना कभी वेस्ट नहीं होने दिया, एक दाना, यहाँ तक कि जो पतीले चूल्हे पे चढ़े उसमें कहीं दाल लगी होगी, कहीं चावल, कहीं सब्जी, और जो सबने भोजन किया तो थाली वो हम लोगों से दादी सादे पानी से धुलाई कराती थी बर्तन को, और जितने जूठे चावल दाल निकलते थे थाली पतीले कढ़ाई से उसको एक छन्नी में छान लेती थी, फिर एक पत्ता ले करके उस पर दाल चावल जो निकला जूठे बर्तनों का, कहती थी ले जाओ पेड़ के नीचे रख के आओ, चींटी खा लेगी, गिलहरी खा लेगी, चिड़िया तोता खा लेंगे, अन्न की कदर करो, अन्न तुम्हारी कदर करेगा, अन्न देवता है, और यही जूठन नाली में जाएगा तो ये सड़के कीड़ा बन जाएगा और अभी किसी की भूख मिटाएगा। ये हम लोगों से दादी ने तीनों टाइम बर्तन धुलवाए और पत्ते पर रखवा के रखे, तो एक एक कण एक एक दाने की कदर दादी को थी, कभी नाली में नहीं जाने दिया ऐसे जूठन थाली मांज लो पानी फेंक दो, नहीं। तो दादी का था हर चीज़ को सफल करो, पानी की भी एकानामी से सफल करो, तुम पानी को कदर करेंगी पानी तुम्हारी कदर करेगा, तुम कपड़े की कदर करेंगी वो तुम्हारी कदर करेगा। तो इस तरह से दादी को बहुत था कि हर चीज़ को किफ़ायत से और बहुत कदर से करना है और बहुत सेफ्टी के साथ। तो दादी के अंदर बहुत बहुत विशेषताएँ देखी, आखिर वो हमारे यज्ञ के नींव हैं, नई दुनिया के पत्थर हैं जिन पे हमारी ये सारी भव्यता खड़ी हुई है। कहते दादा कमाए पोता खाए, दादियों की मेहनत, हम उसकी प्रारब्ध में हैं और उनके वरदानों से पलते चल रहे हैं। तो इस तरह दादियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, जो तपस्या किया, जो सेवा किया, उसको तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, कितना वर्णन कर सकते हैं। कहते गूंगे के लिए गुड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे दादी का वर्णन करके मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। ओम शांति।